हेलो बच्चों, कैसे हो? आज मैं आपको जो ट्रिक्स या कंसेप्ट देने जा रहा हूँ वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है। डैट मीन्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है या ट्रिक्स है, क्योंकि 50% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी कंसेप्ट या ट्रिक्स पे बेस्ड है। तो इसलिए हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे और बहुत आसानी से भी, वाया रफी सर ट्रिक्स। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेसोमेरिक इफेक्ट। ये रेजोनेंस का एक पार्ट है, रेजोनेंस का कंसेप्ट लगेगा, इसलिए इसमें रज्जो आपको लगाना है और इस इफेक्ट का नाम होगा मेसोमेरिक इफेक्ट। डैट मीन्स जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं वो जब कार्बन से अटैच होंगे तो कार्बन के साथ उसका कैसा बिहेवियर होगा, डैट मीन्स वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं या कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, उस इफेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो डैट्स वेरी सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बन पे आपका कोई ग्रुप लगा हुआ है, राइट? कार्बन पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या हो सकता है? दो ही केस हो सकता है कि ये ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ आपका दे रहा होगा, तो ऐसे ग्रुप को बोलेंगे, क्योंकि इस ग्रुप ने क्या किया, देने का काम किया, तो ऐसे ग्रुप को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ध्यान दे, हम ग्रुप का इफेक्ट देख रहे हैं ऑन कार्बन। तो अगर ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बन को तो डोनेटिंग ग्रुप, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलेंगे EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सिमिलरली इसका दूसरा नाम हो सकता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, क्योंकि ये रिलीज कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलेंगे ERG। ओके, इसका एक और नाम हो सकता है प्लस एम। प्लस साइन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डोनर है ये, राइट? रिच पर्सन है, डोनर है ये, क्योंकि डोनेट कर रहा है। या प्लस आर मतलब रेजोनेंस। तो इसका बहुत सारा नाम हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, प्लस एम ग्रुप, प्लस आर ग्रुप। ओके, नाउ दूसरा केस क्या हो सकता है? तो दूसरा केस ये हो सकता है कि जो कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले, ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले, तो इस ग्रुप का क्या इफेक्ट हुआ? खींच रहा है, कर्ज ले रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एक्सेप्टिंग ग्रुप। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप, EAG शॉर्ट फॉर्म में। या फिर ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ कर रहा है, खींच रहा है, तो शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? EWG, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। बाकी और क्या नाम हो सकता है? तो माइनस एम ग्रुप। माइनस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्योंकि इसने कर्ज ले लिया, अपनी तरफ खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो इसलिए ये माइनस साइन, बाकी और कोई इसका रिलेशन नहीं है। या माइनस आर ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो पहले तो ये बात क्लियर होगी कि कार्बन पे जो भी फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे, या तो वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे तो डोनेटिंग ग्रुप, और कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे तो एक्सेप्टिंग ग्रुप। ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि वो ग्रुप प्लस एम होगा या माइनस एम? तो वो बहुत ही सिंपल है रफी सर के ट्रिक से। ट्रिक्स रफी सर का क्या कह रहा है कि भाई जो भी फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग से अटैच है उसके पहले एलिमेंट को देखना है। ध्यान दे, बेंजीन रिंग से जो भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसका सबसे पहला एलिमेंट को देखना है। अगर उस एलिमेंट पे एटलीस्ट वन लोन पेयर है तो ये ऐसे ग्रुप प्लस एम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोन पेयर सिंगल डबल से ये रेजोनेंस होगा, राइट? आपको मालूम ही है। तो आप ध्यान से देखो तो क्या कर रहा है ग्रुप? बेंजीन में इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में इंक्रीज हो रही है, तो ऐसे सारे ग्रुप क्या हो जाएंगे? प्लस एम या प्लस आर ग्रुप। फॉर एग्जांपल, एक दो एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे देखो, ये आपका हो गया बेंजीन, इस पे मैंने लगा दिया OH। तो बेंजीन रिंग से जो पहला एलिमेंट फंक्शनल ग्रुप का है वो ऑक्सीजन है, और इसके पास यूनो लोन पेयर है, तो ये क्या हो जाएगा? अपने आप प्लस एम ग्रुप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोन पेयर है, तो रेजोनेंस कैसे होगा आपको मालूम ही है, इस टाइप से रेजोनेंस हो जाएंगे, राइट? सिमिलरली अगर कोई डबल बॉन्डेड कार्बन, ध्यान दे, डबल बॉन्डेड कार्बन से कोई ग्रुप अटैच है, कोई फंक्शनल ग्रुप, और अगेन उसके पास जो पहला एलिमेंट है जो कार्बन से अटैच है, डबल बॉन्डेड कार्बन से, उस ग्रुप या उस एलिमेंट के पास अगर लोन पेयर है तो फिर से ये कौन सा हो जाएगा? प्लस एम या प्लस आर ग्रुप। ओके, क्यों? क्योंकि ये भी वाया रेजोनेंस आपका क्या करने वाला है? इलेक्ट्रॉन देने वाला है, डोनेटिंग है। सिमिलरली आप कैसे पहचानेंगे कि माइनस एम ग्रुप होगा? तो अगेन बेंजीन रिंग से जो भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसमें पहली चीज़ तो क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए, और जो डबल बॉन्डेड एटम है उसमें जो बेंजीन रिंग से नहीं अटैच है, डैट मीन्स आउटसाइड वाला, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो अटैच
एलिमेंट है बेंजीन रिंग से उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या होगा, आउट होगा, बेंजीन रिंग से बाहर की तरफ जाएंगे, इसलिए ऐसे ग्रुप को क्या बोलेंगे, माइनस एम या माइनस आर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट या विड्रॉ कर रहा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिमिलरली डबल बॉन्डेड कार्बन से अगर कोई आपका ग्रुप अटैच है जिसमें पाई बॉन्ड है और वाई ज़्यादा, इधर वाला एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे क्योंकि इसका मोमेंट इस टाइप से होगा, तो ये भी क्या हो जाएंगे, माइनस एम ग्रुप। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि बेंजीन रिंग पे या डबल बॉन्डेड कार्बन पे जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है अगर उसके पास डायरेक्ट लोन पेयर है तो प्लस एम, और पाई बॉन्ड बना हुआ है एंड विद द कंडीशन कि वो जो पाई बॉन्डेड एलिमेंट है उसमें वाई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस एम होगा, वाई इन द सेंस जो डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच कौन है, यहाँ पे एक्स या यहाँ पे एक्स। चलिए अब हम उस ट्रिक्स को अप्लाई करके देखते हैं और पहचानते हैं कि जो ग्रुप लगे हुए हैं वो प्लस एम होंगे या माइनस एम। तो देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लस एम या माइनस एम, तो जैसे ये पॉइंट नंबर वन है आपका, क्या है कि ये फिनॉल बोलते हैं राइट, तो वो तो हम देख लेंगे कि नेम क्या रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो बेंजीन रिंग पे ये ग्रुप अटैच है और इसके पास क्या है, लोन पेयर है। ट्रिक का पॉइंट याद करो कि अगर बेंजीन रिंग पे कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है और जो बेंजीन रिंग वाले कार्बन है उससे डायरेक्ट अटैच होना चाहिए वो ग्रुप, और उसके पास अगर लोन पेयर है तो ये कैसा शो करेगा, तो ये प्लस एम शो कर जाएगा राइट, इसका क्या हो जाएगा, प्लस एम इफेक्ट। यहीं पे ध्यान से देखो अगर ये चीज़ें ऐसे होती तो फिर प्लस एम इफेक्ट नहीं बोलते, मान लो यहाँ पे आपका OH होता तो यहाँ पे भी लोन पेयर है, लेकिन लोन पेयर सिंगल सिंगल, चूंकि रेजोनेंस की कंडीशन ही नहीं बन रही है। सबसे पहली चीज़ कि रज्जों की कंडीशन बननी चाहिए, जो पांच पॉइंट हमने आपको दिए थे वो अप्लाई होगा, तभी प्लस एम या माइनस एम की बात करेंगे। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच होना चाहिए वो फंक्शनल ग्रुप, तब जाकर क्या प्लस एम या माइनस एम की बात कर पाओगे, क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन बन जाएगी, तो इसमें इस ग्रुप का कोई प्लस एम या माइनस एम नहीं होगा। ओके, नो प्लस एम या माइनस एम। सिमिलरली यहाँ पे तो ध्यान से देखो कभी भी वो लोन पेयर आपको ड्रॉ करके नहीं देगा, यू नो नाइट्रोजन ने तीन बॉन्ड बनाया, लोन पेयर है, ये बेंजीन से डायरेक्ट अटैच है ये नाइट्रोजन, इसके पास लोन पेयर है तो कौन सा इफेक्ट हो जाएगा, प्लस एम। सिमिलरली इस वाले को देखो तो ऑक्सीजन के पास यू नो लोन पेयर है, बेंजीन रिंग के कारण से डायरेक्ट अटैच है, लोन पेयर है, कौन सा इफेक्ट हो जाएगा, प्लस एम। सिमिलरली इस वाले को देखो तो सेम ऑक्सीजन बेंजीन रिंग वाले कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, लोन पेयर है, तो कौन सा इफेक्ट हो जाएगा, प्लस एम। यहाँ पे आप ध्यान से देखो डबल बॉन्डेड कार्बन है राइट, डबल बॉन्डेड कार्बन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है राइट, और रेजोनेंस की कंडीशन हो रही है लोन पेयर सिंगल डबल, तो इसलिए कौन सा इफेक्ट हो जाएगा इस ग्रुप का, NH2 का, प्लस एम। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो बेंजीन रिंग से जो ग्रुप आपका अटैच है, जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो उसमें क्या है, डबल बॉन्ड है देखो, और ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन कार्बन, तो इसलिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा, रेजोनेंस की कंडीशन बन रही है, इसलिए कौन सा ग्रुप हो जाएगा, माइनस एम, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। सिमिलरली नेक्स्ट वाले में फिर से वही सेम, जितने भी वी कैन से कि बेंजीन रिंग से जितने भी कार्बोनिल कार्बन सी डबल बॉन्डो वाले अटैच होंगे वो ऑलवेज माइनस एम शो करेंगे, क्यों, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। यहाँ भी आप ध्यान से देख सकते हो, बाकी इधर क्या उससे ज़्यादा मतलब नहीं राइट, तो इस ग्रुप का भी क्या कैसा इफेक्ट हो जाएगा, माइनस एम इफेक्ट हो जाएगा राइट। यहाँ पे आप ध्यान से देखो कार्बन नाइट्रोजन के बीच पाई बॉन्ड आ गया राइट, और नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो आप देख सकते हो ये जो ग्रुप है पहले आपका वो रिंग के कार्बन से डायरेक्टली अटैच है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एन की ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ, तो ये भी क्या हो जाएंगे, माइनस एम। तो एक पॉइंट और यहाँ पे निकल के आया कि कभी भी बेंजीन रिंग से जो सी डबल बॉन्डो अटैच होगा तो वो ऑलवेज माइनस एम होगा राइट, वही ट्रिक का पॉइंट है, या फिर सी ट्रिपल बॉन्ड एन हो तो वो भी माइनस एम होंगे यहाँ पे। तो अगेन आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसको थोड़ा सा NO2 को ड्रॉ कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा राइट। तो आप ध्यान से देखो डबल सिंगल डबल रेजोनेंस की कंडीशन बन रही है, और कैसा हो रहा है कि रिंग से जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो पाई बॉन्ड बना रखे हैं और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, तो इसलिए कैसा हो जाएगा ये, माइनस एम।
अब यहाँ पे ये नहीं कि कुछ बच्चे ऐसे रट लेते हैं कि सर ने बोला था रिंग से जो भी फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा उसके पास लोन पेयर होगा तो वो प्लस एम शो करेगा, तो आप ऐसा नहीं कि इसको प्लस एम लिख देंगे, गलत हो जाएगा। रीजन, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस की कंडीशन ही नहीं बनी। ध्यान से देखो, लोन पेयर सिंगल सिंगल, जब तक रेजोनेंस रज्जो नहीं होगा यू कांट से कि प्लस एम होगा कि माइनस एम होगा, वो लगा ही नहीं सकते। तो यहाँ पे नो इफेक्ट, राइट, प्लस एम या माइनस एम बात नहीं कर सकते। यहाँ पे भी आप ध्यान से देखो कि ये मत रट लेना कि सर ने बोला था रिंग से कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, डबल बॉन्ड होगा तो माइनस एम शो कर जाएगा, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि डबल सिंगल सिंगल रेजोनेंस की कंडीशन ही नहीं है, तो नो माइनस एम, माइनस एम नहीं होगा। नेक्स्ट वाले में ध्यान से देखो, तो ये डबल सिंगल अगेन, इसको अगर ओपन करके लिखोगे तो आपको फिर आइडिया लग जाएगा। तो डबल सिंगल डबल रेजोनेंस की कंडीशन बन रही है, और ये जो ग्रुप है उसमें पाई बॉन्ड है और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एम, राइट। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो लोन पेयर सिंगल सिंगल, यहाँ पे रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है, तो इस ग्रुप का आप प्लस एम या माइनस एम नहीं कह सकते, राइट। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव सिंगल डबल, राइट, तो अभी से बात है ये क्या हो जाएगा, प्लस एम। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया और यहाँ पे रेजोनेंस की कंडीशन हो रही है। यहाँ पे भी इसके पास एक लोन पेयर होगा, राइट, तो बेंजीन रिंग से जो एलिमेंट अटैच है उसके पास लोन पेयर है और रेजोनेंस हो रहा है तो प्लस एम। यहाँ पे यूनो सी ट्रिपल बॉन्ड एन होंगे, राइट, और डबल सिंगल डबल रेजोनेंस की कंडीशन बन रही है, और ये एक्स डबल बॉन्ड वाई टाइप का हो गया, जहाँ वाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एम। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, राइट। जितने भी बेंजीन रिंग से कोई ग्रुप अटैच है उसके पास लोन पेयर है तो वो प्लस एम शो करेंगे, कंडीशन ये जो रेजोनेंस होना चाहिए। वैसे ही बेंजीन रिंग से जितने भी सी डबल बॉन्ड हो, बेंजीन रिंग से जितने भी सी डबल बॉन्ड हो अटैच हैं, तो वो आपका इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो वो माइनस एम होगा, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं प्लस एम और माइनस एम का एनालिसिस की, राइट, और बहुत इंपॉर्टेंट है, यही कंसेप्ट को आपको समझना है। तो एक मैंने प्लस एम वाला लिया है, क्यों? क्योंकि बेंजीन रिंग से ये ग्रुप अटैच है और इसके पास लोन पेयर है, राइट, और रेजोनेंस की कंडीशन आपकी बन रही है, तो ये कैसे ग्रुप है आपके, प्लस एम। तो इसका मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया पहले से, राइट, आपको कैसे ड्रॉ करना है ये ऑलरेडी वीडियो लेक्चर में बता रखा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ कि ध्यान से देखो, बस दो मिनट में आपका लूँगा, ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो पूरी ऑर्गेनिक आपको मज़ा आएगा। कि अगर मैं इन जनरल ले रहा हूँ, ये नहीं कि NH2 के केस में होगा, कोई भी प्लस एम ग्रुप होगा तो वो कर क्या रहा है, सिंपल सी बात कि वो कर क्या रहा है। जितने भी प्लस एम ग्रुप होंगे वो सब के सब क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो, या तो आपका ऑर्थो पोजिशन पर निगेटिव चार्ज लेके आ रहा है या फिर पैरा पोजिशन पर। नाउ ऑर्थो पैरा कैसे पहचानेंगे, तो वो भी वेरी सिंपल है कि बेंजीन रिंग पे जो भी ग्रुप अटैच होंगे उस ग्रुप के एडजेसेंट वाले कार्बन, राइट, बेंजीन रिंग पे जो भी ग्रुप अटैच है उसके एडजेसेंट वाले कार्बन को ऑर्थो बोलेंगे, उसके बाद वाले कार्बन को मेटा बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेटा, ओके, और लास्ट वाले को जो एग्जैक्टली उसके अपोजिट में होते हैं उसको बोलते हैं पैरा। तो पहले ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, बेंजीन रिंग पे जो भी ग्रुप अटैच है उसके रेस्पेक्ट में बात होती है, उस ग्रुप के दो एडजेसेंट वाले कार्बन आइदर साइड ऑर्थो कहलाते हैं और आइदर साइड उसके बाद वाले कार्बन मेटा, और जो एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं वो पैरा कहलाते हैं। तो आप ध्यान से देख सकते हो कि मैंने जो एनालिसिस वर्ड लिखा है वो ये कि जितने भी प्लस एम ग्रुप है वो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे लेके आएंगे, तो ऑर्थो पे एंड पैरा पे ओनली, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे निगेटिव चार्ज बढ़ेगा। डैट मीन्स बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो जितने भी प्लस एम ग्रुप हैं वो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कराएंगे। इसलिए जब हम इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करने आएगा प्लस चार्ज कहाँ पर अटैक करेगा, सिंपल सी बात है, जहाँ पर माइनस होंगे, इसलिए कहाँ पर अटैक करेगा वो, ऑर्थो या पैरा पे। सिमिलरली अगर कोई माइनस एम ग्रुप अटैच है, कैसे माइनस एम ग्रुप है, ये बेंजीन रिंग से फंक्शनल ग्रुप अटैच है, रेजोनेंस की कंडीशन हो रही है, राइट, एक्स डबल बॉन्ड वाई है, तो ये माइनस एम ग्रुप हो गया आपका। तो माइनस एम ग्रुप का मैंने पूरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक ड्रॉ किया है, एक बार आप भी खुद से ड्रॉ कर लें और फिर इस
कंडीशन को ध्यान रखें, इस पॉइंट को ध्यान रखें, क्या हो रहा है ध्यान से देखो, तो आपके जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो ऑर्थो पोजिशन पर आ रहे हैं या पैरा पोजिशन पर। फिर से आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑर्थो या पैरा पर है, डेट मीन्स इस केस में क्या हो रहा है बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, डेट मीन्स बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, पहली तो ये बात हो गई। तो जितने भी माइनस एम ग्रुप हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं बेंजीन की। नेक्स्ट पॉइंट कि आपका पॉजिटिव चार्ज आ रहा है कहाँ पे, अगेन ऑर्थो या पैरा पे, डेट मीन्स मेटा पोजिशन अनअफेक्टेड है, ओके इसीलिए अब इस पे अटैक कौन करेगा, तो खुद ये क्या हो गया प्लस हो चुका है, तो अब इस बात इस पे कौन अटैक करेगा माइनस, मतलब इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे। तो कभी भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो इसमें किस पोजीशन पे आएंगे, ऑर्थो या पैरा पे, जो हम एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो। ओके तो फाइनल पॉइंट क्या हुआ कि जितने भी प्लस एम ग्रुप लगे होंगे वो इलेक्ट्रॉन को निगेटिव चार्ज को ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे लेके आएंगे, मेटा पोजीशन अनअफेक्टेड है, वैसे ही जितने भी माइनस एम ग्रुप होंगे वो पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो या पैरा पे लेके आएंगे, मेटा पोजीशन अनअफेक्टेड है। इसलिए हम बोलेंगे कभी भी मेटा पोजीशन पे अगर मैं कोई ग्रुप लगा दिया, जैसे ये ग्रुप लगा हुआ है उसके बाद एक और ग्रुप मैंने अगर मेटा पे लगाया तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, डेट मीन्स रेजोनेंस इफेक्ट उसका नहीं होगा, मेटा पोजिशन नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। आई होप क्लियर होगा। जैसे कहने का क्या मतलब है कि सपोज करो कि मैंने ये लिया राइट, यहाँ पे OH और यहाँ पे मैंने लगा दिया C ट्रिपल बॉन्ड N, तो अगर मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ तो इसके रेस्पेक्ट में ये कहाँ पे है मेटा पोजिशन पे, ये कहाँ पे हो गया आपका मेटा पोजिशन पे, तो इस ग्रुप का कोई इफेक्ट नहीं होगा, डैट मीन्स वो इस ग्रुप के इलेक्ट्रॉन को कुछ नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि इसके वजह से यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन, उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, बाईपास हो गया एक तरीके से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया नहीं कि वो रेजोनेंस इसको करा पाएगा राइट। इसीलिए इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, मेटा पोजिशन पर अगर कोई ग्रुप लगा होगा तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसका माइनस एम या प्लस एम इफेक्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देख सकते हो यहाँ से जब रेजोनेंस होगा तो यहाँ पे निगेटिव आएगा राइट, आप देख सकते हो, और फिर पैरा पे आते यहाँ पे आया ही नहीं, यहाँ पे आया नहीं तो ये रेजोनेंस करा ही नहीं पाएगा, तो ये ग्रुप का मेसोमेरिक इफेक्ट फिर नहीं हो पाएगा।